In this lecture, we will discuss about the asymptote of conic section. अब देखो asymptote होते क्या है? Asymptote होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका कि कर्व के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो को अप्रोच करता है एज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. यहाँ पे देखो जो कॉनिक सेक्शन है वो हम मेन केस को कहते हैं इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला. पैराबोला और इलिप्स का कोई भी एजिम्प्टोट नहीं होता, एजिम्प्टोट होता है हाइपरबोला का. तो मैं यहाँ पे तुम्हें हाइपरबोला के लिए ही बता रही हूँ. और मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस, और सेंटर कह लो या ओरिजिन कह लो जो भी, तो मैंने यहाँ एक सेंटर ले लिया. ठीक है, तो यहाँ से सेंटर लिया तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है हाइपरबोला की, एक एल वन और एक एल टू. इसके दो फोकस हैं ए और ए डैश. और इसी तरीके से अपने पास यहाँ फोकस यहाँ है, फोकस एफ वन और एफ टू. यहाँ इसके दो फोकस होते हैं, दो वर्टेक्स हैं ए और ए डैश. ठीक है, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं हाइपरबोला की. तो जो ये हाइपरबोला के अंदर हमारे पास एजिम्प्टोट है वो क्या होता है, सेंटर में से ही पास करती हुई एक लाइन होती है, ये एक इधर एक इधर, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं हाइपरबोला की. तो एजिम्प्टोट भी इसके दो ही होते हैं. और वो किस तरीके से जाते हैं कि जैसे जैसे अब हमारा कर्व इंफिनिटी की तरफ मूव करता है तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देता है. कर्व और एजिम्प्टोट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करता है. तो अब हमारे को यहाँ एजिम्प्टोट की इक्वेशंस निकालनी है. अब तुमने देखा है कि एजिम्प्टोट मैंने किस तरीके से बनाया, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस बनाया. तो एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई है एजिम्प्टोट और एक ये. ठीक है, तो अब एक ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल कॉनिक है हमें ये पता है कि अगर कर्व में सेकेंड डिग्री के बाद लीनियर टर्म ना हो तो एजिम्प्टोट की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करती है. और हम क्योंकि सेंट्रल कॉनिक ही यूज करने लग रहे हैं यानी हम हाइपरबोला यूज कर रहे हैं, और हाइपरबोला में फिर जब अपने पास एजिम्प्टोट की इक्वेशन आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट डिग्री टर्म से डिफर करती है. तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन मेरे पास है ये किसकी है, ये कॉनिक की है. तो एजिम्प्टोट की इक्वेशन इसके साथ किससे डिफर करेगी, सिर्फ एक कांस्टेंट से. तो मैंने सी को तो रखा ही प्लस एक कांस्टेंट और के कह दिया, तो ये मेरे पास एजिम्प्टोट की इक्वेशन बन जाती है. अब ये क्योंकि एजिम्प्टोट की इक्वेशन है और मुझे पता है एजिम्प्टोट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस है, तो पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि जो हमने ये डिस्क्रिमिनेंट लिया है ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल क्या बन जाता है, ए, देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सी की जगह पे सी प्लस के, फिर एफ जी और एच. इसको फिर मैंने कैसे लिखा, अब देखो इसको मैं प्लस जीरो करके भी लिख सकती हूँ. जो हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है, एक तो मैंने एक बार इसके साथ लिख लिया ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और एक बार इन्हीं को जीरो जीरो के साथ लिख लिया, ऐसे ब्रेक करके मैंने लिख लिया. ये चीज मुझे पता ही है कि ये तो इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट ही है, और ये वाली जब मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड करा तो ये के इंटू ए बी माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू जीरो आ गया. तो यहां से के की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस डिस्क्रिमिनेंट ओवर ए बी माइनस एच स्क्वेयर. तो अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दूंगी तो ये मेरे पास एजिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, अब ये मेरे पास जो ये इक्वेशन आई है ये एजिम्प्टोट बन गया, वो मेरे पास कॉनिक है. अब एक चीज का और ध्यान रखना है, हाइपरबोला जब हम करते हैं तो हाइपरबोला में एक कंजुगेट हाइपरबोला और होता है. तो जो कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाइपरबोला प्लस कंजुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू टू टाइम्स एजिम्प्टोट. देखो अब मुझे यहाँ पे कॉनिक की इक्वेशन पता है, कॉनिक की इक्वेशन ये एच हो गई हाइपरबोला, एजिम्प्टोट की इक्वेशन जो भी अभी मैंने डिराइव करी, तो कंजुगेट हाइपरबोला मेरे पास क्या होगा, टू ए माइनस एच करके मैं
इसमें से कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकती हूँ और जो कि सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट एसिम्प्टोट ऑफ अ कोनिक. थैंक यू.